हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये देखिए, मेरे रूम के पोर्ट होल से, मतलब मेरी विंडो से सामने एक शिप दिख रहा था जो कि बहुत बड़ा जहाज़ है, और ये सामने से निकल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाती हूँ कि जब जहाज़ चलता है तो वो किस तरह से लगता है, क्योंकि हम अपने जहाज़ को तो नीचे से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं बगल से। तो ये मुझे दिख रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था, व्यू भी देख के बहुत खुश हो रही थी। तो वही मैं अपने फ़ोन से इसको जूम इन कर रही थी कि आगे बो, ये जो सबसे आगे का एरिया होता है ना, इसे बो बोलते हैं। तो ये बो एरिया किस तरह से पानी को चीरते हुए निकल रहा है, और ये हमारा शिप है। बहुत दूर है लेकिन बहुत पास है, मतलब इतना पास जहाज़ जा रहा है फिर भी दूर तो है ही है। तो ये देखिए, ये हमारी पोर्ट होल है और ये सामने जहाज़ है। वही मैं आपको जूम इन जूम आउट करके दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू है। आप लोग को कैसा लगा कॉमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये शाम की क्लिप है और इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर मेरी सीधे रात में 1-1.5 बजे आँख खुली तो मैंने देखा कि जहाज़ जो है वो पोर्ट में लग चुका है। वाडीनार हम लोग पहुँच चुके हैं। आपने मेरा लास्ट टू लास्ट व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग गुजरात वाडीनार जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जहाज़ लग चुका है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊँगी कि पोर्ट में जहाज़ किस तरह से लगता है, मतलब बंधता है। यहाँ जहाज़ बांधा जा रहा है तो वही मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया। और उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं 5 बजे उठ गई। बहुत देर मैं लेटी रही और फिर 5 बजे उठ करके मैंने नहा लिया, शार ले लिया और फिर तैयार हो गई, भगवान जी की पूजा कर लिया। फिर मैंने बिस्किट भी खाया, मतलब कुछ जो हम रूम में रखते हैं, बिस्किट, चिप्स, नमकीन, वो सब खा करके मैंने पानी पी करके फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी रिलैक्स मोड में, तो मतलब फिर सो गई थी। लेकिन ये मेरी सुबह 1 बजे से मैंने आपके साथ अपना अभी तक का ब्लॉग शेयर किया है। चलिए मैं तैयार हो जाती हूँ, कॉम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सुबह जो हुई है वो 5 बजे से हुई है। बहुत जल्दी मैं उठ गई हूँ। एक्चुअली मेरी आँख जो है वो 1 बजे खुल गई थी। हम लोग सुबह 1 बजे वाडीनार पहुँच गए थे और अभी मेरा चेहरा आपको सोया सोया ही लग रहा होगा, लेकिन मैं नहा के आई हूँ क्योंकि मैं रात भर जगी हूँ, नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए फेस थोड़ा सा स्वेल है। और अभी 5:15 बज रहे हैं, फ़ोन आ रहा है किसी का, वर्मा जी भी जग रहे हैं तो वो डे रूम में हैं और कुछ वर्क, पेपर वर्क चल रहा है क्योंकि हम लोग वाडीनार पहुंच गए हैं। पीहू सो रही है इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, अभी एकदम अंधेरा है, रात ही लग रही होगी आपको, दिखाती हूँ बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो अभी तो रात ही है क्योंकि अभी 5 बज रहे हैं। वैसे अर्ली मॉर्निंग हो गई है पर अंधेरा है इसलिए रात लग रही होगी। और एकदम जगमग जगमग सा गुजरात है ये। तो
पूजा करने के बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। और ये देखिए, ये सुबह का व्यू है जो कि हमारी विंडो से दिखाई दे रहा है, रात में मैंने आपको दिखाया था। फिर उसके बाद मैं अपना ना ब्रेकफास्ट कैबिन में ही ले आई थी, रूम पे। तो हम सब ने रूम पे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि रात में नींद नहीं पूरी थी, तो वर्मा जी भी ऊपर ही ब्रेकफास्ट करने को बोल रहे थे। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है जो कि हम लोग कर रहे हैं। तो भी डिनर टाइम हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। और कल मैं डिनर का रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज रिकॉर्ड करते हैं। आज कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे में क्या बनता है याद नहीं रहता, फ्राइडे में क्या बनता है। सैटरडे में तो वो बनता है, दिन में खिचड़ी बनती है, और शाम को क्या बनता है? ये है पनीर की सब्जी पीहू, इधर है दाल, ये है नॉन वेज, और ये है राइस, और इधर चपाती है। बाहर का व्यू देखते हैं तो कुछ ऐसा है। अभी सनसेट तो हो चुका है लेकिन अभी अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैंने अपना डिनर लगा लिया है, पनीर की सब्जी है, दाल है, चपाती है, और मैंने साथ में लेमन लिया है जो कि मैं अपनी दाल में डालती हूँ। तो लेमन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप लोग भी ज़रूर अपनी डाइट में विटामिन सी को इंक्लूड करिए, ये काफ़ी अच्छा है और दाल का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। चलिए डिनर कर लेते हैं। क्या खा रही हो? मैं जैम रोटी। जैम रोटी? जैम रोटी कौन खाता है? पीहू खाती है। तो फिर जब मिर्ची लगती है तब जैम मिर्ची खाते हैं। अच्छा, जब मिर्ची लगती है तो जब मिर्ची लगने में आप लस्सी भी तो पी लेती हो? लस्सी भी पी लेती हूँ। अच्छा, तो अभी हम लोग डिनर करके आ गए हैं वापस से अपने कैबिन में। और आज सोचा था कि वाडीनार नीचे उतरेंगे, मतलब पोर्ट में नीचे उतरेंगे, लेकिन कहते हैं ना सोचा हुआ ज़रूरी नहीं कि पूरा ही हो जाए। सो ये बात तो हमारी पूरी नहीं हुई, हम लोग नीचे नहीं उतर पाए हैं। और अभी कुछ पेपर वर्क आ गया है तो वर्मा जी वो करने जा रहे हैं, तो मैं और पीहू जा रहे हैं ऊपर ब्रिज पे वॉक करने। चले चलिए। तो मैं और पीहू जाएंगे ऊपर वॉक करने, पीहू के डैडी को कुछ काम है तो वो यहाँ पर बैठ करके अपने ऑफिस में करेंगे अपना काम। हम लोग तो सोच रहे थे आज बाहर चलेंगे नीचे। नीचे तो नहीं उतरेंगे, नीचे पोर्ट में ऊपर चल लेते हैं। चलो, तो आप तो जा रहे हैं काम करने? अरे हाँ, अभी तो वो भी आने वाले हैं, मैंने बुलाया है। तो अभी तो ये बिजी हैं, तब तक हम, मैं और पीहू चलते हैं ना पीहू? हाँ। चलो भाई। तो काफी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे। और ये लाइफ बोट है, ये ऑरेंज कलर की जो है ना, ये लाइफ बोट है। चलते हैं ऊपर। जहाज के आगे एक और शिप खड़ा है, ये भी काफी बड़ा शिप लग रहा है। ये थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। ही हवा है तो हम लोग जा रहे हैं पोर्ट साइड में,
अभी तक हम लोग स्टार बोर्ड साइड में थे, अभी ब्रिज से क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे उधर के कंपैरिजन ठीक है, मतलब हवा है बट ठीक है, अच्छा है। तो होली आने वाली है और बस इसी समय थोड़ा सा ऐसा लगता है कि फैमिली से हम लोग दूर हैं, घर पे होते तो होली की तैयारी मैं कर रही होती। लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि मैं क्या क्या बना रही थी, क्या कर रही थी, और इस बार हम लोग यहाँ पर हैं। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं क्योंकि पीहू के डैडी गए नहीं थे, तो पीहू को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों पीहू? पीहू को अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम लोग नीचे चले आए हैं। और आप लोग की होली की कैसी तैयारी चल रही है? आज कौन सी डेट है? आज है 26 और 28 तारीख को होली जलनी है और हम लोग शिप पे ही रहेंगे। तो मैंने होली के लिए कुछ कुछ प्लान किया है, लेट्स सी, आपके साथ शेयर करूँगी कि होली में हम लोग ने कैसे कैसे क्या क्या किया, सब कुछ शेयर करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी प्रॉपर। तो होली में कुछ कुछ डिश भी बनाने की सोच रही हूँ, वो भी सब बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अब इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहीं फिनिश कर देती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज के व्लॉग को भी आपने बहुत पसंद किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।